आज का जो वीडियो हम देखेंगे, एक स्पेशल वीडियो हमारे पास होने वाला है। अमर जी हमारे साथ में हैं, जिनकी गाड़ी हमने अपग्रेड की है। ये ऑल द वे ओरिसा से महाराष्ट्र नवी मुंबई हमारे वाशी साई ऑटो में आए हुए हैं अपनी अर्टिगा लेकर के। जब कल रात को सर मेरे शॉप पे पहुँचे तो काफ़ी सारी चीज़ें ये गाड़ी में शोरूम से लगा के ही आए थे। टॉप मॉडल थी, सीट कवर लगे हुए थे, स्पॉइलर लगा हुआ था, मैट लगी हुई थी, क्रोमिंग का वर्क किया हुआ था, सब था गाड़ी में। बट फिर भी एक वीडियो हमारा देख के सर को उम्मीद थी और एक इच्छा थी कि यार जाना है और मुंबई में जाना है, क्योंकि जो अर्टिगा मुंबई में साई ऑटो में बनती है वो पूरे हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं। हम सर का वेलकम करते हैं। कल गाड़ी छोड़ के गए थे, आज हमने पूरी रेडी कर दी है। आज सर ने अभी तक देखी भी नहीं है गाड़ी का किस तरीके से जो लुक हमने दिया है। कहाँ सर, ओडिशा में कहाँ पे? ओडिशा का गंजम डिस्ट्रिक्ट है, मगर गाड़ी लिया कटक से। हाँ जी, ओडिशा का कटक है, कटक सबको पता है। बराबर, तो उधर से लिया है गाड़ी, अभी पुणे पे लेके आया हूँ। तो मेरा इच्छा था जी उधर जाना है शाही ऑटो पे, तो कैसे है उधर, बहुत सारा वीडियो देखा था। तो गाड़ी पे तो ऑलरेडी सब कुछ था, फिर भी वो जैसे बनाया है तो गाड़ी का लुक चेंज हो गया है। अभी हम एक बार जोरदार तालियों से वी प्रेजेंट टू यू द बुलेट एडिशन ऑफ एर्टिगा। ये गाड़ी का लुक आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से द क्रॉस ग्रिल, द बुलेट हेडलाइट, स्पेशली बुलेट हेडलाइट के लिए सर इतने दूर से हमारे पास आए हैं। इसका हम लोग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाएंगे। कैसी लग रही है अमर जी गाड़ी? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत। ग्रिल, लाइट्स, जो लाइट्स वगैरह सब कुछ मुझे तो अच्छा लग रहा है। जैसे मेरा था पुराना जैसे लग रहा था, नया गाड़ी लिया था मगर पुराना जैसे लग रहा था। नवी लग रही है अभी नहीं। व्हाइट और ब्लैक कैसा लग रहा है? बहुत मैचिंग तो बहुत है, अच्छा है। द ब्रेसलेट सीरीज सीट कवर इन द पर्शियन ग्रीन कलर। ये गाड़ी के अंदर पूरा इंटीरियर हमने किया है, राइट फ्रॉम द सीट टू द डैशबोर्ड टू द डोर पैनल्स। आप लोग लुक देख सकते हैं। मेगा ऑडियो का जो प्लेयर है विद डुअल नॉब्स, ये गाड़ी के अंदर हमने लगाया हुआ है। ये गाड़ी का फुल वीडियो हम लोग देखेंगे। गाड़ी तो मुझे अच्छा लग रहा है, ज़्यादा तो भाई को पता है क्योंकि भाई सर के भाई है, हम उनका भी वेलकम करते हैं। दादा कैसा हो गया गाड़ी? गाड़ी एकदम अच्छा लगा, बहुत अच्छा मतलब बनाया है आपने। ये देखना, ये गाड़ी देख के ओडिशा वाले सब आएंगे? नहीं नहीं, वो तो आने वाले है कि नहीं? है कि वो पहला गाड़ी है हमारा ओडिशा का, इससे पहले किसी ने भी। हमने कर्नाटका से देखी, आंध्र से देखी, केरला से देखी, महाराष्ट्र के डिफरेंट कॉर्नर से, सांगली, सतारा, धुले। अभी ये फर्स्ट हमारा माइलस्टोन है, हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं द बुलेट एडिशन ऑफ एर्टिगा, जिस गाड़ी के अंदर हमने चार प्रोजेक्टर्स का लुक दिया हुआ है। एक प्रोजेक्टर कंपनी लगा के देती थी, दूसरा प्रोजेक्टर जो हमने ऐड किया है ये गाड़ी के अंदर वो ऑजुम ब्रांड का आता है। एक हेडलाइट में दो प्रोजेक्टर, दो हेडलाइट में कुल मिला के चार प्रोजेक्टर। ये 1, 2, 3, 4 प्रोजेक्टर्स के साथ जो बुलेट हेडलाइट का लुक है आप लोगों के सामने है। DRL बटरफ्लाई स्टाइल ये गाड़ी के अंदर हमने इंटीग्रेट की है, जो ऑन होने पे एक ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन के साथ ऑन होती है। इसका वेलकमिंग भी आप लोग देख सकते हैं। ये हेडलाइट चालू करने पे वाइट है, एंड एज सून एज वी टर्न ऑन द इंडिकेटर ये वाइट ऑरेंज के ऊपर स्विच हो जाती है। इसका लुक भी आप लोग देख सकते हैं। जितनी बेहतरीन ये गाड़ी की हेडलाइट का लुक है उतना ही शानदार इसका रोड पे थ्रो है। अंधेरा होने के बाद इसका थ्रो हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये हेडलाइट हमने ये गाड़ी के अंदर इंटीग्रेट की है। आगे की ग्रिल कंपनी की रिप्लेस करके क्रॉस एडिशन की जो ग्रिल हमने लगाई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिन्स के साथ आती है। इसका लुक भी आप लोग देख सकते हैं। फ्रंट की लिप स्कर्ट हमने लगाई है, जो ए मोटरिस की स्कर्टिंग है वो तो हैवी ड्यूटी आती है,
बट सर को था कि स्पीड ब्रेकर वगैरह पे ज़्यादा मुझको ये नहीं चाहिए। तो लिप स्कर्ट काफ़ी स्लिम फॉर्मेट में आती है, इसका लुक भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से है। वाइट गाड़ी है, जो इसका टॉप है वो गरवारे के ब्लैक PPF से हमने कोट किया हुआ है। एक वाइट एंड ब्लैक का जो लुक मुझे मिल रहा है टू टोन के साथ, ये गाड़ी का गेटअप आप लोग देख सकते हैं। ब्लैक करने के बाद ये फुल क्रोम के डोर वाइज़र आते हैं, जो लेफ़्ट एक्सट्रीम कॉर्नर से स्टार्ट होते हुए राइट एक्सट्रीम कॉर्नर तक जाते हैं। ये मेड इन कोरिया के आते हैं, इसकी जो क्वालिटी आती है काफ़ी शार्प एंड ये कभी काले नहीं पड़ते हैं। स्पॉइलर मारुति का लगा हुआ था, बट सर की इच्छा थी कि स्पोर्ट स्पॉइलर हमको लगाना है, तो मेड इन इंडोनेशिया का XL7 स्पॉइलर पियानो ब्लैक विद द सैटिन रेड टच वो गाड़ी के अंदर हमने इंटीग्रेट किया है। इन्फिनिटी टेल लाइट सेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 पीसेस की हमने लगाई है, जो ऑन होने पे ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन के साथ ऑन होती है। इसका एक स्कैनिंग वेलकम पैटर्न भी हम लोग देख सकते हैं। पीछे की तरफ 1, 2, 3 और 4 साइलेंसर के साथ 4 एग्जॉस्ट डिफ्यूज़र भी हमने लगाया है, जो हमारी गाड़ी के स्पोर्टी लुक को कंप्लीट कर रहा है। बुलेट एडिशन के साथ जो सर की रिक्वायरमेंट थी, एक प्रीमियम साउंड सिस्टम ये गाड़ी के अंदर हमने इंटीग्रेट किया है। हमारे ऑल टाइम फेवरेट स्पीकर्स जो हैं, जो ऑडिसन के कॉम्पोनेंट्स हैं, विच इज़ द APK 165P, ये स्पीकर नहीं है दोस्तों, ये दरवाज़ों में लगने वाला वूफर है। कंपनी ने स्पीकर ही ऐसा बनाया है कि जो बेस है वो डोर से हमको आएगा, ऐसा इसका इफ़ेक्ट है। ये 2 क्रॉसओवर के साथ आते हैं, ट्यूटर भी हमको इसके अंदर मिल रहा है, जो आगे के ट्यूटर कंपनी के लगे हुए थे रिप्लेस होके ये वाले हमने लगाए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पीछे के दरवाज़ों में भी हमने दरवाज़ों में लगने वाला वूफर लगाया है, बट ये 300 वाट्स के हैं। ये 2 अलग अलग मॉडल है, एक 345 वाट है, एक 300 वाट है। चारों कॉम्पोनेंट है, पावरफुल वाले आगे हमने लगाए हैं और एक स्टेप नीचे वाले पीछे हमने लगाए हैं। ये चारों स्पीकर्स को सोनी के 1000 वाट के एम्पलीफायर से हमने पावर किया है। ये वाला मॉडल अगर आप लगाते हैं तो एम्पलीफायर आपको लगाना कंपलसरी है, बिना एम्प के वो स्पीकर का मज़ा आप नहीं उठा सकते हैं। ये स्पीकर्स जो गाड़ी के अंदर कंपनी से लग के ही आए थे, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से 4 स्पीकर्स ये गाड़ी में लग के ही आए थे, बट जो कंपनी फिटेड थे डेट इज़ समथिंग 25W 25 वाट के स्पीकर ये लग के आते थे। ऑन दी अदर हैंड जो हमने लगाए हैं, एक आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि भले आप ये VXI लीजिए, आप ZXI लीजिए, एक ZXI प्लस मॉडल लीजिए, जो हमने लगाए हैं यू कैन जस्ट सी द साइज़ डिफरेंस इन द मैग्नेट। ये कंपनी का मैग्नेट है, ये हमने लगाए हैं। दादा फ़र्क है कि नहीं वजन में? बहुत ज़्यादा ये मतलब बहुत हेवी है। तो वो हैवी होने की वजह से उसका इफेक्ट भी है, इफेक्ट भी बहुत अच्छा। जितना मैग्नेट में वजन है उतना स्पीकर में आवाज़ है। आप लोग देख सकते हैं कि ये स्पीकर्स हमने इंटीग्रेट किए हैं ऑडिसन के। मेगा ऑडियो का जो प्लेयर आता है डिस्कवरी सीरीज़ का, जिसमें डुअल नॉब्स हमको मिलते हैं, 2 नॉब आते हैं। ये वॉल्यूम आप कर सकते हैं, ये ट्रैक फॉरवर्ड आप कर सकते हैं, अगला गाना आप कर सकते हैं। 11.8 इंच की स्क्रीन आती है, सर ने हमारे वीडियोस में देखा था, उनको रिक्वायरमेंट थी ये चीज़ मेरे को लगानी है, तो ये चीज़ हमने उनको लगा के दी है। द पर्शियन ग्रीन कलर इंटीरियर हैज़ बीन डन इन द कार। सीट कवर्स जो हमने लगाए हैं, इट इज़ द ब्रेसलेट सीरीज़, द डिज़ाइन इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द वॉच, द ब्रेसलेट। आप लोग देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन हमने एक सीट कवर में इंटीग्रेट किया है। आर्मरेस्ट लग के आता था, उसको भी सॉफ्ट टच लेदर वर्क किया है इन द पर्शियन ग्रीन कलर, और जो कॉम्बिनेशन है पर्शियन ग्रीन आगे एंड वनीला यानी कि क्रीम कलर वो है पीछे। दरवाज़ों में सॉफ्ट टच लेदर वर्क किया है, जो टॉप गियर ब्रांड का है, इन वनीला विद द पर्शियन ग्रीन स्टिच। स्टोन कलर के शेड में इसके पैनल्स को हमने हाइड्रो डिप किया है। 1, 2, 3 ऐसे 12 पीस गाड़ी में आते हैं, जो हमने चेंज किए हैं। इसके डैशबोर्ड को हमने लेदर रैप किया हुआ है। ये कलर को हम मोर पंख कलर बोलते हैं, सर का ये फेवरेट कलर है, ये आप लोग देख सकते हैं। दिस कलर इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द पीकॉक फेदर आप लोग के सामने, और इसी के लिए तो ये याहूम कलर है, और जितने प्यार पूरे देश ने इस कलर को दिया है। मैं क्या, आप लोग एक इंटीरियर देखिए दोस्तों, ये अलग ही चीज़ है। ये आप करोड़ों रुपया खर्चा करके जो प्रीमियम गाड़ी लेंगे
उसमें भी ये मज़ा आपको नहीं आएगा जो अर्टिगा लेकर के अपग्रेड करने में मज़ा मिलता है। इसके लिए तो 350 वीडियो है, लोग देखते हैं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। बंगाल बहुत दूर है हमारे ओडिशा से, ओडिशा हमारे महाराष्ट्र नवी मुंबई से बहुत दूर है। पीछे के भी जो हमने स्पीकर्स लगाए हैं, हमारे ट्यूटर्स की प्लेसमेंट देख सकते हैं किस तरीके से हमने की हुई है। ये गाड़ी को जो लुक हमने दिया है, मेरा दिल से आप लोगों को शुक्रिया है। बुलेट हेडलाइट जो हमने लगाई है, इसका थ्रो हम लोग देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड मेरा दिल से आप लोगों को शुक्रिया है। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए गाड़ी कैसी लग रही है। फॉग लाइट कंपनी फिटेड थी, उसके जो बल्ब हमने अपग्रेड किए हैं उसमें वाइट लाइट भी है, ऑफ़ एंड ऑन करने पे येलो लाइट भी है जो फॉग में आपको इफेक्टिव है। ये गाड़ी का हेडलाइट का थ्रो हम कंटिन्यू करेंगे। इनके जो स्पीकर्स ये गाड़ी के अंदर हमने लगाए हैं, इसका इफेक्ट आप लोग सुन सकते हैं कि बिना वूफर के ये स्पीकर ऐसा है जो वूफर के जैसा इफेक्ट हमको दे रहा है। सर भी हमारे साथ में है, इसका साउंड आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बज रहे दादा बहुत अच्छा, जो बेस का एक रिक्वायरमेंट था, एक नंबर क्वालिटी। आप लोग इसका ऑडियो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बुलेट हेडलाइट का जैसा नाम है वैसा इसकी रोशनी है इवनिंग के टाइम पे। जो चार प्रोजेक्टर्स हैं, 1, 2, 3 और 4, इसका नाइट लुक आप लोग देख सकते हैं। ये जो प्रोजेक्टर हैं ये कंपनी के हैं जो मारुति ने दिए हैं, उसमें हमने ऑजुम की LED लगाई है। जो खास बात है, जो सेकंड प्रोजेक्टर हमने इंटीग्रेट किया है, आप लोग देख सकते हैं ये कंपनी का प्रोजेक्टर है, बट जो प्रोजेक्टर हमने इसके अंदर इंटीग्रेट किया है, इसकी थ्रो ऑफ लाइट देख सकते हैं रोड पे कि किस तरीके से जो रेंज है वो हमें अल्टीमेट मिल रही है। द लो बीम वॉज येल्लो, उसको तो हमने वाइट किया है, बट हाई बीम पे जो हमें फोकस मिल रहा है वो टोटली ज़बरदस्त है। अभी इसके साथ जब हम फॉग लाइट ऑन करते हैं तो ये जहाँ आप लोग देख सकते हैं फॉग लाइट मेरा फ्रंटेज कवर कर रही है, ये हमने फॉग लैंप ऑन कर दी इन द येलो कलर, आप लोगों के सामने है। ये टोटल ऑफ है, ये खाली फॉग लाइट का थ्रो है। सो बुलेट हेडलाइट का जैसा नाम है वैसा उसका परफॉर्मेंस है। एम्बियंट लाइट इसके डैशबोर्ड एंड चारों दरवाज़ों पर हमने इंटीग्रेट की है। नाइट के टाइम पर एक ब्यूटीफुल एटमोसफियर है दोस्तों गाड़ी के अंदर। गेटअप एंड लुक आप लोग देख सकते हैं, हमारी हिडन एम्बियंट लाइट पे इतना आप लोग ने प्यार दिया, जितने थे सारे बिक गए हैं, थोड़े दिन में हमारी वापस आने वाली है। तो एक बार फिर से मेरा आप लोगों को शुक्रिया है, एंड ओडिशा वालों जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका मेरा थैंक यू है। डेफिनेटली जितना हो सके हम और एक से एक नए कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, ड्राइव सेफली एंड थैंक यू।